नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है ये, 2000 सीटें हैं इस बार और 200 एसडीएम की सीटें हैं। शायद ऐसी इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत मुश्किल है दोबारा आए, और इसको सफल होने के लिए, इस सीट को पाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करना है और वो है मेहनत। आपको कोई नया रास्ता नहीं खोजना है, आप चंद्रयान नहीं बना रहे हैं, आप कोई पहली बार सूर्य पे जाने के लिए कोई सूर्यान या आदित्य नहीं बना रहे हैं। आप बना बनाया एक रास्ता है, उस रास्ते को आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा, आप सफल हो जाइएगा। हर साल हजारों बच्चे पीसीएस में सेलेक्ट होते हैं, अलग अलग पीसीएस में, यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं, वही बना बनाया रास्ता है, बस आपको मेहनत करना है। अगला सवाल ये आता है, क्या 50 दिन जो बचे हैं अभी से, इसमें संभव है। देखिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं है जीवन में। मैं इस वर्ड से, इम्पॉसिबल वर्ड को मैंने अपने जीवन में से निकाल दिया है। कठिन है, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ को त्यागना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। कैसे मेहनत करना है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए अब जो समय बचा है इसमें स्मार्ट स्टडी करना है और हार्ड वर्क करना है, दोनों करना है। और जो हार्ड वर्क करना है वो स्मार्टली करना है, अंतर यही है। क्योंकि असफलता इतनी ख़राब चीज़ है कि हमारे पूरे जीवन को वो दीमक की तरह खा जाती है। मैं 10-12 साल तक असफल रहा और वो संघर्ष का दौर ऐसा था कि समझ लीजिए कि अंदर तक खोखला कर देती है वो। और सफलता ऐसी चीज़ है कि आपको एक नया जीवन देती है, और इसी जीवन में आपको उत्साह आता है, आपको इंटरेस्ट आता है और आपको जीने की इच्छा होती है। तो और ये सब आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ मेहनत से, दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है मेहनत के सिवा। तो अगले 50 दिन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, किस किस किताब से पढ़ना है, हम लोग एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये एक SRS क्लासेस का बैच चल रहा है, 60 दिन का बैच है, और इसमें जो प्रोग्राम बताया जा रहा है मैं वही बता रहा हूँ। जो लोग भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी क्लास को ज्वाइन कीजिए तभी आपके लिए संभव है। आप किसी भी सोर्स से, किसी भी चीज़ से, बस मेहनत करके आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो देखिए, ये जो 60 दिन का प्रोग्राम है, 60 डेज प्लान, इस पे क्लासेस चल रही हैं। तो एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक दिन में आपको दो सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे अब इसमें पढ़ना है मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी। जैसे कि पहला है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश, और दूसरा आपको पढ़ना है संविधान सभा, संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान सभा के प्रमुख समितियाँ, संविधान का स्रोत। अब इन दोनों को पढ़ने के बाद नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, अगले टॉपिक पर चले जाते हैं। नहीं, यहाँ आपको क्या करना है कि इन दोनों के आपको 50-50 MCQ करने हैं। कहाँ से करने हैं 50 MCQ? वो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, या फिर SRS क्लासेस के ऐप पे, SRS क्लासेस के ऐप पे आपको फ्री सेक्शन में टॉपिक वाइज क्वेश्चन अपलोडेड हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसको करने के बाद दो, जैसे एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे क्लास वन हो गया, क्लास टू हो गया, क्लास थ्री हो गया, ये डे 10, डे 11, उसके बाद आपको यहाँ मॉडर्न इंडियन पढ़ना है, यहाँ साइंस पढ़ना है। ये पूरा प्लानर को मैं टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उस पर डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, और हर दिन पढ़ने के बाद इस पर आप टिक लगाइए। जैसे अभी 50 दिन बचा है तो आप कोशिश कीजिए कि एक दिन में 3 या 4 टॉपिक पढ़िए, और उसके बाद एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, और लास्ट में आपका मैथ्स की क्लासेस चलेंगी। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि क्वेश्चन का परसेंटेज क्या रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 27-28 क्वेश्चन फिक्स्ड है, 27-28 क्वेश्चन फिक्स्ड है। यहाँ से आपको 15-18 क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, संविधान से आपको 10-12 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से आपका हमेशा कम ही क्वेश्चन रहता है, 8-10 ही, कभी कभी एक दो बार एक्स्ट्रा एक्सेप्शन लाया गया है। सामान्य विज्ञान जो साइंस है वहाँ से 25, बिहार से 25 और करंट अफेयर से 25 और ये 10, ठीक है। ये 85 नंबर का जो क्वेश्चन, ये कम इफर्ट में आप सिलेक्शन हो सकता है। जैसे साइंस का जो क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन में आपको पूरा साइंस नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अप्लाइड साइंस पढ़ना है। आपको साइंस में आपको बेंजेन और ये नहीं दे दिया जाएगा कि आप उसको ये कीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आप याद कीजिए। आपको यही इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो डे टू डे यूज वाले क्वेश्चन है कि LPG में कौन सा गैस यूज होता है और क्यों प्याज काटने पे आंसू आता, इस टाइप के अप्लाइड क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन की जो संख्या है वो 700-800 के बीच में है, और इन 700-800 क्वेश्चन में से ही सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए साइंस के लिए आप ये 700-800 क्वेश्चन 2-3 बार कर लीजिए,
मेरा नोट्स है बनाया हुआ साइंस का, अपना पर्सनल नोट्स है, मैं वो भी आपको दे दूंगा। और एक प्रिलिम्स बूस्टर नाम से किताब आती है SRS की, जो कि जो मेरे नोट्स हैं उसी से बनाया गया है, इसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इन दोनों में से आप किसी को भी देख सकते हैं, और जो मेरे नोट्स हैं मैं आपको फोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल भी आपको लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड क्वेश्चन से वहीं से आते हैं। करंट अफेयर भी आपको क्या है, एक साल का जो टोटल आपका इवेंट्स है, इंपॉर्टेंट इवेंट, अब कहीं बस पलट गया वो इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट है क्या, कहीं पे योजना स्टार्ट हुई, कौन सा सम्मेलन हुआ, तो उन तरह के जो घटनाएं हैं वो भी आप अगर देखिएगा तो टोटल आपको 700 से 800 घटनाएं होंगे। जैसे कि एक साल में 365 दिन होता है, एक दिन के दो घटना इंपॉर्टेंट होगी, मैक्सिमम दो घटना। नॉर्मली आप घटना अगर दिन भर देखिएगा, दिन भर 10 घटना हो रही है, लेकिन एक एवरेज मान के चलते हैं कि नॉर्मल दो घटना, 700 से 800 घटना है। ये भी हम लोगों ने अपने करंट अफेयर वाली बुक में, आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि SRS क्लासेस की किताब आती है तो मैं थोड़ा सा प्रमोट करूंगा इसको, उसमें लिया हुआ। ठीक है, अब जो करंट अफेयर है थोड़ा सा अप्लाइड करंट अफेयर्स है। अप्लाइड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछ के उसके अंदर का कुछ डिटेल्स पूछा जाता है, वहाँ से कर सकते हैं। और गणित में आपको 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के, और रीजनिंग के रहते हैं आपको। ठीक है, यहाँ भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको रहते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा इफर्ट डाल के आप इसको कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए मैं बुक्स सबके लिए बता देता हूँ। अब हिस्ट्री के लिए आप नोट कर लीजिए, स्पेक्ट्रम की किताब आती है, वही आपको पढ़ना है, बेस्ट किताब है वो। ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल, संविधान के लिए पॉलिटी। तो मैं जो यहाँ चर्चा कर रहा था कि स्मार्टली पढ़ना है। देखिए, जैसे आप ट्रेन पढ़िए, अब मॉडर्न हिस्ट्री में 27 क्वेश्चन आते हैं, 27 में से आप देखिएगा 15-16 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। आपने वो एरिया अगर कर लिया मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, जो लोग तैयारी कर चुके हैं उनको पता होगा, मॉडर्न हिस्ट्री एक कहानी है, एक स्टोरी है कि कैसे भारत में कुछ विदेशी लोग आए, यहाँ पे अपना व्यापार बिजनेस शुरू किया, कैसे इन्होंने यहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल किया, कैसे भारतीयों ने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाया, किस तरह से आपको लाल बाल पाल आए, महात्मा गांधी आए, भगत सिंह आए, धीरे धीरे करके क्या क्या घटनाएँ घटी और भारत कैसे आज़ाद हुआ। ये एक फिल्म की कहानी है, अगर इसकी मूवी आएगी तो आप इंटरेस्ट से पढ़िएगा। भूगोल क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हमारे आसपास जो मिट्टी है, कहीं बोलते हैं कहीं का आलू अच्छा होता है, कहीं का प्याज अच्छा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मिट्टी वैसी है, तो मिट्टी वैसी क्यों है, उसका क्या कारण है, बारिश क्यों होती है, ठंड क्यों पड़ता है, दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, ये तो पढ़ना है। संविधान, हम लोग दिन भर चर्चा करते हैं कि विधानसभा चुनाव में इसको सीट मिलेगा, उसको सीट मिलेगा, विधानसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं BPSC वो क्या है, कमीशन कौन सा कमीशन है, क्या संविधान है, वो है इकोनॉमिक्स है, महंगाई बढ़ रही है, पहले मैगी 10 रुपये का आता था, 12 रुपये का क्यों हो गया, क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों पेट्रोल का दाम बढ़ रही है, सरकार तो ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ है कि पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है, लोग अगेंस्ट हैं, वो चीज़ हो गया। विज्ञान पर हम लोग चर्चा कर ही लिए, इन तीन चीज़ पर चर्चा कर लिए, तो इसको इंटरेस्ट लेके आप पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। आप इसको बर्डन लेके पढ़िएगा तो मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा तो आप कब 12-15 घंटे पढ़ गए आपको समझ में भी नहीं आएगा। और वही अगर आप बर्डन लेके पढ़िएगा इसको, तो आप आधा घंटा एक घंटा पढ़िएगा आपको ये चीज़ भारी लगने लगेगा, समझ में नहीं आएगा और आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, पढ़िए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सफल होइएगा। एक 500 क्वेश्चन का हम लोग एक वो चलाते हैं कि जो भी डेली के 500 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सोर्स कोई भी हो, आप 500 क्वेश्चन कर लीजिए, एक रिपोर्ट जैसा है उस पर लिख दीजिए आज 500 क्वेश्चन हो गया, और पोस्ट कर दीजिए। बस क्वेश्चन पोस्ट नहीं करना है, बस उसी का फोटो खींच के डाल देना है कि आज 500 क्वेश्चन कर लिया। जो आज से एग्जाम तक 500 क्वेश्चन रेगुलर करेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसके लिए कोई भी कंस्ट्रेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करना है। और एक चीज़ और दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने से पहले आपके दिमाग को ये एंटर हो जाना चाहिए, अपने दिमाग में कंसीव होना चाहिए आपके दिमाग में कि मैं सफल हो सकता हूँ। कोई भी युद्ध लड़ने से पहले जब तक आप उसको बड़ा बनाइएगा, आप युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहले चांद पे कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग नहीं गए थे, चांद पे सबसे पहले नासा का एक साइंटिस्ट होगा जिसका दिमाग में ये सोच आई होगी कि हम लोग चांद तक जाने के लिए रॉकेट बना सकते हैं, वो ही सबसे पहले। आप पहले विश्वास तो कीजिए, पहले आप बिलीव तो कीजिए कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ। जब आप उस चीज़ पे आपको विश्वास ही नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। और दूसरा चीज़, असंभव नहीं है, कठिन है, और कठिन चीज़ को हासिल करने में ही मज़ा है। एक छोटा सपना बनाइएगा कि शाम को एक चिप्स का पैकेट खाऊं 5 रुपए वाला, आराम से आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई पूछ नहीं होगी।
लेकिन एक ड्रीम बनाते हैं कि मुझे SDM बनना है, और जब SDM बनते हैं तो जो आपको पावर, जो ताकत, जो समाज में इज्जत वो हासिल होगा, वो उसका कोई मोल नहीं है। और मैं लिख के देता हूँ आपको कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत चाहिए, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए कि क्या उम्र है, क्या एज है, कहाँ रहते हैं, सब सेकेंडरी है। सिर्फ प्राइमरी वो चीज़ है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ हूँ। मैं डेली हर दिन लगभग लाइव आके आपसे बात करूँगा और आपको मोटिवेट करूँगा कि आप सफल होइए, क्योंकि मुझे भी किसी ने मोटिवेट किया और मैं सफल हुआ हूँ। तो क्षमता हम सब में बराबर है, तो थोड़ा सा एक कदम निकालिए। फिर जाते आते वही लाइन कि सभी को छोड़कर खुद पे भरोसा कर लिया मैंने, सभी को छोड़कर खुद पे भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था उसे जिंदा कर लिया मैंने।